तो अगर टाइटल और थंबनेल देख के आए हो तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो। यस, आज की वीडियो के अंदर मैंने जो है इमोजीज को यूज करके नेल आर्ट किया है। तो इसके अंदर मैंने बहुत अलग अलग तरीके के इमोजीज यूज किया है, मतलब 5 डिफरेंट इमोजीज का यूज किया है। तो अगर आपको जानना है कि इसे मैंने कैसे बनाया है और क्या है प्रोसेस, तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है एंड तक। और अब आप लोगों का ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं सबसे पहले लगाने वाली हूँ बेस कोट अपने नेचुरल नेल्स के ऊपर, और ये जो बेस कोट है मैं अपने सारे नेल्स के ऊपर लगाने वाली हूँ। और जो मैं बेस कलर लेने वाली हूँ वो है ये न्यूट शेड। टू बी ऑनेस्ट, मेरे को ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है और ये है मैट। तो जो फर्स्ट इमोजी है उसके लिए यहाँ पे मैं सबसे पहले एयर स्वैब लूँगी, उससे एक डॉट रखूँगी। और ये वाला जो इमोजी है ये होने वाला है स्माइलिंग इमोजी, जिसके आसपास 3 हर्ट होते हैं। तो अब मैं बनाऊंगी इसकी आइज़। और ये बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ब्रश यूज़ किया है, स्मॉल लाइनर ब्रश। और आइज़ बनाने के लिए आपको सी बनाना है छोटा सा। तो यहाँ पे अभी जैसे हमने आइज़ बनाई है सेम उसी तरीके से आपको बनाना है इसकी स्माइल। तो उसके लिए भी आपने जैसे सी बनाया है वैसे ही आपको उल्टा सी बना देना है। तो अब जो स्टेप है उस पर बनाना है हमें हर्ट। तो उसके लिए यहाँ पे मैं स्मॉल डॉटिंग टूल का यूज़ कर रही हूँ और ले रही हूँ यहाँ पे रेड नेल पॉलिश। इससे मैं 2 डॉट रखने वाली हूँ सबसे पहले। नेक्स्ट मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लूँगी अपना ब्रश और इन दोनों डॉट के बीच में से एक जो हर्ट है उसे बनाऊँगी, और साथ ही साथ मैं इसके आसपास जो 2 और हर्ट बनाने वो भी बना लूँगी। नेक्स्ट चीक्स के पास थोड़ा सा ऑरेंज नेल पॉलिश लेके मैं थोड़ा सा ब्लश कर दूँगी ताकि वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो अभी जो मैं इमोजी बनाने वाली हूँ वो है फ्लेम का। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपको नेल पॉलिश लेनी है वो होगी आपकी ऑरेंज नेल पॉलिश, और उससे आपको है ना फ्लेम बनाना है। तो फ्लेम बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से देख सकते हो मैं फ्लेम बना रही हूँ। तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ही कलर को लेना है, और यहाँ पर ब्रश भी मैं एक ही ले रही हूँ। बाहर का होने के बाद अब अंदर की बारी है। तो इसके लिए मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे येलो नेल पॉलिश। तो ये लेने के बाद आपको येलो नेल पॉलिश से इसके अंदर जो है वो शेड दे देना है, थोड़ा सा शेप बना देना है। अगर आपकी नेल पॉलिश ऑरेंज वाली नेल पॉलिश से मिक्स हो रही है तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि वो शेड होगा तो वो अच्छा लगेगा। अब जो फ्लेम है उसके ऊपर की तरफ मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये डिज़ाइन बना लूँगी। इसे बनाना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी है। ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद जो है आपको लेना है रेड नेल पॉलिश को, और इससे आपको सिर्फ आउटलाइन करनी है आपने जो भी फ्लेम बनाया है उसके ऊपर। तो ये जो मेरी पिंकी फिंगर है इस पर मैं बनाने वाली हूँ हर्ट। तो हर्ट बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। इसके लिए सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ लार्ज साइज डॉटिंग टूल। अब मैं लूँगी ब्रश। तो उसके बाद ये मैं बता दूँ ब्रश है मेरा स्मॉल लाइनर ब्रश, और इसके बाद मैं क्या करूँगी यहाँ पे हर्ट बनाना स्टार्ट करूँगी। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है सेंटर से, दोनों जो डॉट्स हैं उनको पहले जॉइंट करना है, और फिर उसके बाद इस तरीके से साइड साइड जाते जाते आपको इन्हें कवर कर देना है। नेक्स्ट जो इमोजी यहाँ पे मैं बनाने वाली हूँ ये है आर्टिस्ट पैलेट, और इसके लिए क्या होगा कि मैं लूँगी ब्राउन नेल पॉलिश। तो इससे सबसे पहले मैं जो बेस है वो बनाने वाली हूँ। तो बेस को भी बनाना काफ़ी ज़्यादा इजी है। सबसे पहले एक एस जैसा आप बना दो, उसके बाद पीछे की तरफ से इसको एक सेमी सर्कल टाइप इसको कवर कर दो। नेक्स्ट मैं यहाँ पे डॉटिंग टूल से डॉट्स रख लूँगी, मतलब जो कलर्स हैं वो कलर्स के डॉट रखूँगी। सारे नेल आर्ट जो हैं वो अच्छे तरीके से ड्राई हो गए थे, जो भी इमोजीज हमने बनाए थे वो अच्छे से ड्राई हो गए थे, तो मैंने लगाया था मैट टॉप कोट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सारा नेल आर्ट जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। जितने भी इमोजीज हमने बनाए थे वो अच्छे तरीके से कंप्लीट हो गए हैं। तो ये जो है ये बहुत ही ईजी है बनाना। और मैं बता दूँ कि ये जो थंब पे मैंने बनाया था ये है किस वाला इमोजी। इसका अगर आप ट्यूटोरियल चाहते हो तो मैं जो है बना दूँगी आप लोगों के लिए एक शॉर्ट, उसमें आप देख लेना इसको। सो आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल रही हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करके यहाँ पे ये बेल आइकन है इसे भी प्रेस कर देना, सो देट आपको हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को आप शेयर करना अपने फ्रेंड्स फैमिली और उन लोगों के साथ जिन्हें इस तरीके के नेल आर्ट करने में इंटरेस्ट है। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, लिंक हमेशा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। बेझिझक मैसेज करो। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो कि मेरे को नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। और अब मैं आपको मिलूंगी फिर किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।